के लिए हमारे सामने क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो देखिए क्या हो रहा है कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ प्राइजेस दिए जा रहे हैं। तो देखिए जो टॉप स्टूडेंट होगा वो सबसे महंगा प्राइज पाएगा, ठीक, और जो उसके बाद वाला होगा वो उससे 20 रुपए कम प्राइज पाएगा, ठीक। और प्राइज मनी ही है, प्राइज मनी ही है। और उसमें क्या होगा, जो टॉपर होगा, जो टॉप स्टूडेंट होगा वो आपका सबसे महंगा प्राइज पाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड आया होगा वो उससे 20 रुपीज कम का पाएगा, और जो थर्ड होगा वो आपका सेकंड वाले से भी आपका 20 रुपीज कम का प्राइस पाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो आपका प्राइस वितरण है वो आपके 7 स्टूडेंट्स को जाहिर सी बात है 7 प्राइज ही दिए जा सकते हैं, तो 7 प्राइज है तो जाहिर सी बात है कि बंटवारे के लिए भी क्या होंगे, 7 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक। टॉप 7 स्टूडेंट्स को ही प्राइस दिया जाएगा, ठीक। सो इन द गिवन प्रॉब्लम the sum of all the 7 prizes is equal to 700 rupees। और जो प्राइस का जो सम है, जो प्राइजेस का जो सम है वो कितना है आपका, 700 है, ठीक। लेट्स सपोज फर्स्ट विनिंग प्राइज इज इक्वल टू है पी रुपीज, ठीक। फर्स्ट विनिंग प्राइज क्या है, पी रुपीज है, तो आपका सेकेंड आपका कितना हो जाएगा, सेकेंड विनिंग प्राइज आपका हो जाएगा पी माइनस 20 रुपीज, और थर्ड विनिंग प्राइज आपका क्या हो जाएगा, प्राइज जो आपका होगा वो आपका कितना हो जाएगा, पी माइनस फोर्टी हो जाएगा। ये फ्रॉम द given information all the prizes making an AP with common difference minus 20, ठीक। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो आपका a is equal to हो रहा है क्या p, और जो आपका common difference है वो आपका कितना है, minus 20 रुपीज आ रहा है, common minus 20 आ रहा है, ठीक। अभी तो minus 20 ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेवन प्राइजेस इज इक्वल टू 700, दैट मींस ये क्या हो गया, S7, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो जाएंगे, 7 टर्म्स होंगे, S7 इज इक्वल टू 700। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 7/2 × 2 × a प्लस 7 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है,
आपका है माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 700, ठीक है. सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये होता है. तो देखिए आप ये आपका कितना हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा. और देखिए 2a प्लस 2a माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 इज इक्वल टू और ये आपका हो जाएगा 200, ठीक है. ठीक, तो देखिए 2a इज इक्वल टू और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 320, ठीक है. तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 320 अपॉन 2, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 160, ठीक. तो ये 160 वैल्यू आ जाती है इसकी. ओके गाइस, तो देखिए यहां पर हमारी जो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया है वो कितना आ गया, 160 आ गया. तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट विनिंग प्राइज इज इक्वल टू 160 रुपीज, ठीक. कॉस्ट ऑफ सेकेंड विनिंग प्राइज अब क्या हो जाएगा, 20 रुपीज इसमें से कम कर दीजिए, 140 रुपीज, ठीक. इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक, थर्ड आपका हो जाएगा 120 रुपीज, ठीक है. फोर्थ आपका हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है. फिफ्थ आपका हो जाएगा 80 रुपीज, ठीक है. और सिक्स्थ आपका हो जाएगा 60 रुपीज, ठीक. और लास्ट प्राइस आपका हो जाएगा सेवेंथ, सेवेंथ आपका कितना हो जाएगा, सेवेंथ आपका 40 रुपीज. बस इसके आगे कोई प्राइस ही नहीं है. तो बस यही हमारा है आंसर्स है.